तो क्या रंग लाएगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर, और वहां पे रणवीर अभी एक संवाददाता सम्मेलन भी होनी है, शायद ये ऐलान भी होगा औपचारिक तौर पे, पर अखिलेश जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव, अंत भला तो सब भला, तो ये अंत भला तक पहुंचने के रास्ते में क्या कुछ हुआ है समझौता, को क्या खबरें मिल रही हैं? सभी साथियों का चलिए, अभी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर, जिसका इंतजार था कि ऐलान होना है, वो एक दिख रहा है कि यहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है अभी। रणवीर हमारे साथ आप जुड़े हैं, हम देख सकते हैं तस्वीरें कि ये संवाददाता सम्मेलन एक होने वाला है जिसमें ऐलान किया जाएगा, तो ये अंत भला तो सब भला जो कह रहे हैं अखिलेश, इस रास्ते तक पहुंचते पहुंचते किस किस तरह के समझौते हो पाए, कैसे बात बनी, क्या खबरें मिल रही हैं? राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, उपस्थित यहां मीडिया के हमारे सभी पत्रकार साथियों, इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस संविधान, इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर, आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आने आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राज्य मौजूद हैं, मैं सुन सकते हैं? जी जी रणवीर, अभी हम देख रहे हैं तस्वीरें, वहां संवाददाता सम्मेलन हो रहा है, ये जो सहयोग बना दोनों में आखिरकार, जिसका ऐलान अब होगा, किस तरह का समझौता हुआ है, क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 17 पर कांग्रेस और एक सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को दी जाएगी, और इस वक्त औपचारिक घोषणा हो रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और राजेंद्र चौधरी, ये चार नेता यहाँ आए हुए हैं और इसकी ऐलान औपचारिक तौर पर किया जा रहा है। आज दोपहर में ही अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि गठबंधन होगा, अंत भला तो सब भला ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से गतिरोध था, वो गतिरोध दूर हो चुका है। दोनों दलों में कौन कौन सी सीटें होती, ये सभी सीटें जो है वो तय हो चुकी हैं। कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें गांधी परिवार से प्रियंका और राहुल गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने अखिलेश यादव से बातचीत की और उसके बाद तय हुआ है कि 17 सीटें जिसमें लिस्ट हमने आपको दिखाई बताई है, 17 सीटें हैं जिसमें देवरिया है, महाराजगंज है, इसके अलावा सहारनपुर है, अमरोहा है और तमाम जो कानपुर जैसी सीट है, बनारस से कांग्रेस को दी जाएंगी। और समाजवादी पार्टी ने अब तक 62 में से 31 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और एक आजाद समाज पार्टी को दी जाएगी ताकि दलितों को संदेश दिया जा सके इसी रणनीति के तहत। संयुक्त प्रेस वार्ता जो है इस वक्त लखनऊ में चल रही है और आज जिस तरह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद पहुंचे, उन्होंने जब साफ कर दिया कि गठबंधन होगा, उसके बाद तय हुआ कि शाम 5 बजे ये जो गठबंधन का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद